केंद्रीय जेल बड़वानी में प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन ने 5 बेरकों निगरानी टावर सहित कैदियों को दिए जाने वाले फूट के लिए 3 रुपए बढ़ाने की घोषणा की है। लगभग 4 करोड़ की लागत से 5 बैरक और 8 कोणीय निगरानी टावर का गृह मंत्री बाला बच्चन और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो ने शिलान्यास किया। वर्तमान में 456 कैदियों की क्षमता वाली केंद्रीय जेल बड़वानी में 3 गुना कैदी है। 5 बैरक बनने से कैदियों को राहत मिलेगी। दरअसल 456 कैदियों की क्षमता केंद्रीय जेल में वर्तमान में क्षमता से 3 गुना अधिक 1257 कैदी है। इन असुविधाओं को देखते हुए गृह मंत्री बाला बच्चन और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो द्वारा लगभग 4 करोड़ की लागत से बनने वाले 5 नए बेरा सहित 8 कोणीय निगरानी टावर का शिलान्यास किया। गृह मंत्री द्वारा कैदियों को जेल में दिए जाने वाले फूड राशि में 3 रुपयों की बढ़त की घोषणा की। अभी कुछ समय पहले ही कैदियों द्वारा खराब खाने को लेकर भूख हड़ताल की गई थी। वहीं जेल महानिरीक्षक संजय चौधरी द्वारा बड़वानी जेल कर्मियों के लिए जेल के पास ही रहने के लिए क्वार्टरों की मांग भी गृह मंत्री से की। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। और यहाँ पर अगर हम स्थिति सुधारेंगे तो मुझे लगता है कि ये एक आदिवासी समाज के लिए, इस क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत बड़ी सेवा होगी। उनकी संवेदनशीलता का सम्मान करते हुए यहाँ पर हमने अतिरिक्त बैरक्स और सुरक्षा की दृष्टि से एक अष्टकोण टावर का निर्माण का कार्य शुरू किया। करीब 4 बैरक जो पुरुष कैदियों के लिए जो दिए हैं वो लगभग 2.90 करोड़ रुपए के हैं और 1 बैरक महिला कैदियों के लिए बनेगा वो करीब 95 लाख का है। एक टावर दिया है अष्टकोण कार्यालय के लिए, वाचिंग टावर, वो लगभग 14 लाख रुपये का होगा। तो करीब 4 करोड़ रुपये के भूमि पूजन आज हम लोगों ने, मैंने और हमारी जो प्रभारी मंत्री बहन डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो जी ने, जिसका भूमि पूजन किया है, जिसमें हमारे डीजी साहब भी, संजय चौधरी जी भी उपस्थित थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं कि 4 करोड़ रुपए बड़वानी जेल के लिए, उसके सुधार के लिए और सुविधाओं के लिए जो उपलब्ध कराएं, इसकी बधाई और शुभकामनाएं, इसका धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को। और बाकी जो ये जो सौगात जो हमें मिली है, तो हमारे जिलेवासियों को भी इसकी बधाई। और एक आज आप लोगों ने भी सुना होगा कि बहुत करीब पिछले तीन से चार महीनों से जो बात आ रही थी कैदियों को पर दिन का जो उनके खाने पे, उनके रहने करने के लिए और अन्य व्यवस्थाओं के लिए जो उनको जो दिक्कत होती थी, बहुत 3 साल पुरानी जो डिमांड थी वो अटकी हुई, रुकी हुई थी और ये पहले पूर्व की सरकार इसको कर नहीं पाई थी। तो अब जो पर कैदी पर दिन के हिसाब से जो 45 रुपये का जो बजट था, आज हमने उसका अनाउंसमेंट कर दिया है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सलाह से, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको ये कहा था उनसे चर्चा के बाद कि अब 45 रुपये पर कैदी की जगह अब 48 रुपये पर कैदी का जो बजट हो गया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इसको इसके लिए मैं धन्यवाद भी देता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मध्य प्रदेश के